हेलो गाइस, स्वागत है आपके ही अपने चैनल फैंटेसी जोन में। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमआई वर्सेस एचआरएस के बीच होने वाले इस सीजन आईपीएल मैच नंबर 69 के बारे में। दोस्तों, ये मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, और मुंबई का क्या पिच रिपोर्ट है, साथ में दोस्तों दोनों टीम के प्लेइंग 11 में से कौन कौन से प्लेयर हमेशा मुंबई में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, और साथ में दोस्तों दोनों टीम जब आमने सामने होते हैं ना, तो दोनों टीम के प्लेइंग 11 में से कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो कि हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। साथ में दोस्तों स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बनेगा आज का गेम चेंजर, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको डेटा के बेस पे बता दूंगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, टीम कॉम्बिनेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वीडियो में साथ साथ आप लोगों के लिए गिव अवे भी रखा हुआ है, तो गिव अवे में पार्टिसिपेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई फ्रेश वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी की। 40% विनिंग प्रोबेबिलिटी एचआरएस की है, और बाकी एमआई की 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। क्लियर फेवरेट यहाँ पे एमआई होने वाला है। ग्रैंड लीग के एक टीम कॉम्बिनेशन आप एचआरएस के फेवर में बना सकते हो। दोनों टीम की लास्ट 10 हेड टू हेड मैच की बात की जाए तो 4 मैच एचआरएस ने जीता है, 6 मैच यहाँ पे एमआई ने जीता है। टीम के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए, लास्ट 5 मैच में से सिर्फ 1 मैच विन किया है एचआरएस ने और 4 मैच लॉस किया है। वहीं एमआई की बात की जाए तो 3 मैच विन और 2 मैच लॉस किया है। ठीक है, तो ओवरऑल बात की जाए तो क्लियर फेवरेट यहाँ पे एमआई होने वाला है। ठीक है गाइस, बात की जाए पिच रिपोर्ट की तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच होने वाला है। स्पेसर वर्सेस स्पिन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे स्पिनर ने 44% विकेट चटकाया है, यानी कि स्पिनर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस, 56% विकेट जो है ना वो स्पेसर को मिला है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए टीम कॉम्बिनेशन बनाना कि यहाँ पे स्पिनर और पेसर दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स की बात की जाए तो 51% विकेट ना यहाँ पे, सॉरी 55% मैच ना यहाँ पे चेजिंग टीम ने विन किया है, और 49% मैच यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाले टीम ने विन किया है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो 235 तक इस वेन्यू में हाईएस्ट स्कोर बन चुका है। बाकी इस मैच में जो स्कोर आपको देखने को मिल सकता है ना, 170 से लेकर 190 तक आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्पिनर और पेसर दोनों को ठीक ठाक मदद मिल रहा है। इस वेन्यू का रिसेंट कुछ मैच उठा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एमआई वर्सेज जीटी का मैच होता है। एमआई ने 218 रन बनाया है 5 विकेट के नुकसान पे, और बाकी जीटी ने 191 रन बनाया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आरसीबी ने 199 रन बनाते हैं, एमआई ने 200 रन बना के यहाँ पे मैच को चेंज किया है। गाइस, आरआर वर्सेस एमआई का मैच होता है, आरआर ने 212 रन बनाते हैं और एमआई ने 214 रन बना के यहाँ पे चेंज किया है। सो गाइस, यहाँ पे बात की जाए तो लास्ट 3 मैच में से 2 मैच चेंज हुआ है, 1 मैच चेंज नहीं हुआ है, और स्कोरिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादातर मैच में यहाँ पे 200 के ऊपर स्कोर हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, ये फाइनल पिच रिपोर्ट नहीं है, फाइनल पिच रिपोर्ट आपको मिलेगा टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और बाकी देखिए, यहाँ पे जो टीम कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो भी डेमो टीम कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि भाई देखो, पिच रिपोर्ट में चेंजेज आता है, प्लेइंग 11 में चेंजेज आता है, तब टीम कॉम्बिनेशन में भी चेंजेज करना पड़ता है। इसीलिए फाइनल अपडेट के लिए ना, आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगा। आपको सीधा लिंक पर क्लिक करना है और जुड़ जाना है, बिल्कुल फ्री में आपको टीम कॉम्बिनेशन मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट मैच के गिव अवे के विनर के बारे में। पंजाब वर्सेस आरआर के मैच में कौन बनेगा ड्रीम टीम का कैप्टन, ये था क्वेश्चन। आंसर था सेम करण, किंग भाई ने सही आंसर किया है। ठीक है, अगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो सेम स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो। ठीक है गाइस, इस वीडियो में भी आगे गिव अवे का सवाल पूछने वाला हूँ, और सवाल बहुत आसान पूछता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से ड्रीम मतलब गिव अवे का विनर बनो। ठीक है, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बात करेंगे एमआई के प्लेइंग 11 के बारे में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोहित शर्मा ईशान किशन विकेट कीपिंग सेक्शन से, बाकी कैमरॉन गिल, सूर्य कुमार यादव, नेहल, और यहाँ पे ट्रिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, ऋतिक शोकीन, जे बहेंडोप और आकाश माधवाल।
स्टार्टिंग के ओवर की बात की जाए तो बेहरनड्रॉप और साथ में जॉर्डन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, वही डेथ ओवर की बात की जाए क्रिस जॉर्डन और माधवल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और एचआरएस की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। अभिषेक शर्मा आते हैं सबसे पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पे राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, एस क्लासन, ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन से हैरी ब्रोक्स, जी फिलिप्स और साथ में अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, नितिश रेड्डी और साथ में यहाँ पे आते हैं कार्तिक त्यागी और यहाँ पे आते हैं मयंक डगर। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग के ओवर की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार और अभिषेक शर्मा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार और कार्तिक त्यागी से आपको डेथ में बॉलिंग आपको देखने को मिल सकता है। गाइस, दोनों टीम के प्लेइंग 11 में से कौन कौन से प्लेयर हमारे टीम कॉम्बिनेशन में होना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर हमारे टीम कॉम्बिनेशन का कैप्टन वाइस कैप्टन का सही कॉन्टेंडर होने वाला है, आगे डेटा के बेस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। मुंबई की तरफ से आते हैं ईशान किशन, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, ठीक है, एक नॉक 75, एक नॉक 42, एक नॉक 31 और एक नॉक 59 है। ठीक है, स्मॉल लीग में इनको मस्ट पिक रखना है और एक एक रियल में इनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है और बेनू में भी ठीक ठाक है। ठीक है, 20 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है, 10 मैच में ना हेड टू हेड 328 रन बना चुका है 32 की बैटिंग एवरेज से और बाकी 22 मैच में ना 457 रन बना चुका है 20 की बैटिंग एवरेज से वांकेर स्टेडियम में। ठीक है, तो ये है इनका लेखा जोखा, इनको स्मॉल लीग में मस्ट पिक करो और बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बाकी एस क्लासन रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, ठीक है, हर मैच में परफॉर्मेंस आ रहा है 36, 26, 47, 64 और लास्ट मैच में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस 104। ठीक है गाइस, हेड टू हेड में थोड़ा डाउन है, दो मैच में 36 रन, 18 का बैटिंग एवरेज है लेकिन काफ़ी अच्छा है रिसेंट फॉर्म, इसीलिए कवर करना है एसएल में और ग्रैंड लीग के 10 के 10 टीम में एस क्लासन को आप कवर कर सकते हो और बेनू में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैच नहीं है। ठीक है, तो दोनों प्लेयर ना स्मॉल लीग के लिए मस्ट पिक है और ग्रैंड लीग के लिए भी मस्ट पिक है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं बैटिंग सेक्शन मुंबई की। यहाँ पे आपको रोहित शर्मा देखने को मिलेगा, लास्ट दो मैच में एवरेज परफॉर्मेंस आया है, बाकी तीन मैच में कुछ खास नहीं है। ठीक है, इस सीजन आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है लेकिन दो मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है 29 और 37 का, तो आप चाहो तो स्मॉल लीग में रिस्क मन लेके ट्राई कर सकते हो और ड्रॉप करना भी एक रिस्क काम है भाई। ठीक है, ऐसे प्लेयर को ना आप पिक करो तो भी रिस्क है, ड्रॉप करो तो भी रिस्क है। ठीक है, मैं टॉस के ऊपर डिसाइड करूंगा कि इनको पिक करूंगा या ड्रॉप करूंगा। बाकी ग्रैंड लीग में आंख बंद करके एक आध टीम में आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है, कभी भी धमाका कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 20 मैच में 353 रन बना चुका है, 17 का बैटिंग एवरेज है, हेड टू हेड में थोड़ा डाउन है ये बात को ध्यान में रखना, बाकी वेन्यू में काफी अच्छा है। ठीक है, 71 मैच खेल चुका है, 1957 रन बनाया है, 27 की बैटिंग एवरेज है, यानी कि वेन्यू में काफी अच्छा है। ठीक है, इसलिए ग्रैंड लीग में एक टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो और बाकी स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो, बाकी मेरा जो डिसीजन होगा मैं टॉस के बाद डिसाइड करूंगा। ठीक है, और फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। गाइस, यहाँ पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, लास्ट मैच में जरूर फ्लॉप गए हैं लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, ज्यादातर मैच में परफॉर्मेंस आते हैं तो इनको कवर करना है, इवन कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेफ अगर आप जाना चाहते हो तो इनको पिक कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए 66, 26, 83 और एक मैच में 103। गाइस, हेड टू हेड में 18 मैच में 307 रन बनाए हैं, 17 का बैटिंग एवरेज है, यानी कि हेड टू हेड में ना थोड़ा डाउन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, बाकी वेन्यू में काफी अच्छा है, 25 मैच में 848 रन बना चुका है 33 की बैटिंग एवरेज से। स्मॉल लीग में मैं मस्ट पिक करूंगा और ग्रैंड लीग के 10 के 10 टीम में इनको मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं एन वद्रा, रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो दो नॉक ठीक ठाक है भाई। ठीक है, एक नॉक 64 है, एक नॉक 52 है। ठीक है, हेड टू हेड में कोई मैच नहीं है, वेन्यू में 4 मैच में 73 रन, 18 का बैटिंग एवरेज है, यानी कि आप चाहो तो ग्रैंड लीग में जरूर इनको एक आध टीम में पिक कर सकते हो, वो भी ग्रैंड लीग में ना कैप्टन वाइस कैप्टन देना थोड़ा रिस्की रहेगा और स्मॉल लीग में तो मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं टीम डेबिट। गाइस, लास्ट मैच में 32 नॉट आउट और 19 रन नॉट आउट, दो नॉक है, कुछ खास फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ग्रैंड लीग के एक आध टीम में ट्राई कर लेना जब मुंबई फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करे तो। ठीक है, तब जाके आप इनको ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करूंगा लेकिन हेड टू हेड में ना काफी अच्छा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो दो मैच में 62 रन बना चुका है 31 का बैटिंग एवरेज से और बेनू में भी काफी अच्छा है, 9 मैच में 226 रन बनाया है 25 की बैटिंग एवरेज से। सो गाइस, आप चाहो तो एज ए ट्रंप प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तब आप यहाँ पे मुंबई जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा है तब इनको पिक कर सकते हो, वो भी 4 मेंबर की लीग में। ठीक है,
चलिए गाइस यहाँ पे बात करते हैं बैटिंग सेक्शन हैदराबाद की। तो यहाँ पे आते हैं अभिषेक शर्मा। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो देखिए 11 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट और 55 रन 0 विकेट और 9 रन। ओवरऑल बात की जाए 5 मैच में तो एक मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है 55 रन, और बाकी सारे मैच में फ्लॉप ही रहा है। हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, 7 मैच में 72 रन, 10 का बैटिंग एवरेज और 2 विकेट सिर्फ चटका है। वेन्यू की बात की जाए तो वेन्यू में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है भाई, 23 का बैटिंग एवरेज है, 5 मैच में 119 रन बनाया है। सो गाइस ग्रैंड लीग में इनको आप कवर कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तब जाके इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वेन्यू में काफ़ी अच्छा है लेकिन हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है और रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, मैं तो इनको ड्रॉप भी करूँगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है भाई, बॉलिंग से भी बेकाब आ जाता है, ठीक है। टॉच के बाद प्लेइंग 11 फाइनल आने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इनको पिक करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर बॉलिंग नहीं डालते हैं ना तो मैं इनको ड्रॉप ही कर दूंगा, क्योंकि बैटिंग से कुछ खास नहीं, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा और बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं राहुल त्रिपाठी। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 47 और 20, ठीक है, एक मैच में फिर से एक मैच में 20, यानी कि 3 मैच में ओवरऑल बात की जाए तो परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज रहा है, और बाकी 10 मैच में 227 रन बनाए हैं 22 के बैटिंग एवरेज से हेड टू हेड। सो गाइस हेड टू हेड जो है ना काफ़ी अच्छा है। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो 9 मैच में 260 रन बना चुका है 28 के बैटिंग एवरेज से। तो इनको आप ग्रैंड लीग में एज ए ट्रंप प्लेयर कवर कर सकते हो, और स्मॉल लीग में अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तब जाके इनको पिक करो, अदरवाइज आप ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं हैरी ब्रुक्स। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है और हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं है, वेन्यू में कोई मैच नहीं खेले हैं। गाइस यहाँ पे आते हैं ग्लेन फिलिप्स। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, एक तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन में है इसलिए मैं इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी देखिए रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड वेन्यू में कोई मैच नहीं है, तो इनको ना मैं ग्रैंड लीग में एक टीम में ट्राई करूंगा तब जाके जब यहाँ पे हैदराबाद फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करे तो, ठीक है गाइस। और स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है ना काफ़ी नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं अब्दुल समद। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कुछ खास नहीं है, 1 नॉक 21, 1 नॉक 37 का है। सो गाइस हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं है, वेन्यू में कोई मैच नहीं है, तो मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। मुंबई की तरफ से आपको देखने को मिलेगा कैमरॉन ग्रीन। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 1 नॉक 23 का है, ठीक है, और बाकी कुछ खास नहीं है, और एक मैच में सिर्फ 1 विकेट चटका है, कुछ खास फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग ड्यूअल रोल रहेगा इसीलिए आपको कवर करना है, सेफ्टी के लिए इनको कवर करना है, कभी भी धमाका कर सकता है क्योंकि क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हेड टू हेड की बात की जाए तो एक मैच में 64 रन बना चुका है, 1 विकेट भी है, बाकी वेन्यू में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, 6 मैच में 129 रन बना चुका है 21 की बैटिंग एवरेज से और 4 विकेट भी चटका चुका है। वेन्यू में काफ़ी अच्छा है, स्मॉल लीग में इनको कवर कर सकते हो, और हाँ कैप्टन वाइस कैप्टन देना थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। गाइज यहाँ पे बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन हैदराबाद की। एडन मार्करम आते हैं। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 41 रन 1 विकेट और बाकी 1 नॉक 28 का है, ठीक है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 3 मैच में 66 रन बनाए हैं 22 के बैटिंग एवरेज से। गाइज वेन्यू में भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, देख सकते हो 4 मैच में 100 रन बनाए हैं 25 के बैटिंग एवरेज से, तो इनको मैं एसएल में कवर जरूर करूंगा और ग्रैंड लीग में कुछ टीम में ड्रॉप करके कॉम्बिनेशन रोटेशन में डालूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं नितिश रेड्डी। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 3 रन 2 विकेट, 1 मैच में 3 विकेट 1 विकेट, लास्ट 2 मैच की बात की जाए ना तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है, बल्ले से जरूर रन बनाया है 50 रन, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक रहेगा, ग्रैंड लीग की एक टीम में इनको आप कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन मुंबई की। मुंबई की तरफ से क्रिस जॉर्डन आते हैं। रिसेंट फॉर्म क्वालिटी प्लेयर है लेकिन इस सीजन आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, ठीक है, सिर्फ 2 मैच में 2 विकेट मिला है और बाकी 3 मैच में विकेटलेस रहा है। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैच में 6 विकेट चटका चुका है, ठीक है, और बाकी वेन्यू में 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट है। अब चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, और फर्स्ट इनिंग्स में एमआई अगर बॉलिंग कर रहा है तो मैं क्रिस जॉर्डन को पिक करूंगा अपने टीम कॉम्बिनेशन में। गाइस यहाँ पे आते हैं पीयूष चावला। सेकेंड इनिंग्स में अगर मुंबई बॉलिंग कर रहा है तो पीयूष चावला इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में, बाकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, सिर्फ 1 नॉक विकेट लेस है, बाकी सारे मैच में आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है, हर मैच में 1 विकेट मिला है और बाकी 16 मैच में हेड टू हेड 12 विकेट चटका चुका है, और इस वेन्यू में वांकेरे में ना 13 मैच में 12 विकेट चटकाया है। फिर यहाँ पे आते हैं ऋतिक शौकीन। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो लास्ट 3 मैच में विकेट लेस है, बाकी 2 मैच में ना 3 विकेट चटकाया है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 1 मैच में 0 विकेट है। गाइस
वेन्यू की बात की जाए तो 6 मैच में 36 रन, 6 का बैटिंग एवरेज, 2 विकेट भी चटका है, यानी कि वेन्यू में कुछ खास नहीं है। ग्रैनली की अगर टीम में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। फिर आते हैं जेब हेनरोक, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, हर मैच में ना विकेट मिल रहा है इनको। देखिए आप यहाँ पे एक विकेट, तीन विकेट, दो विकेट, ठीक है गाइज। यहाँ पे बात की जाए तो 2 मैच में 3 विकेट चटका है, बाकी वेन्यू में ना 8 मैच में 10 विकेट चटका चुका है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। ग्रैंड लीग में अगर आप 10 टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना तो 10 टीम कॉम्बिनेशन में जेब हेनरोक होना चाहिए। रीजन क्या है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं एम अदवाल, रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कुछ खास नहीं है। ग्रैंड लीग की एक टीम में पिक करना है तो कर सकते हो, बाकी वेन्यू में एक मैच में 3 विकेट जरूर चटका है, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग के लिए उतना सेफ पिक नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन हैदराबाद की। भुवनेश्वर कुमार आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो हर मैच में इनको विकेट मिल रहा है, सिर्फ एक मैच में विकेट लेस जरूर गया है, बाकी देखिए एक विकेट, पाँच विकेट और एक विकेट, हेड टू हेड में 17 मैच में 20 विकेट चटका चुका है और इस वेन्यू में 10 मैच में 8 विकेट चटका है। कार्तिक त्यागी आते हैं गाइस, रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ठीक है, एक लास्ट मैच में विकेट लेस गया है। ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर होने वाला है, स्मॉल लीग के लिए भी ट्रम्प प्लेयर होने वाला है अगर हैदराबाद फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करे तो। हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, वेन्यू में 1 मैच में 1 विकेट। फिर यहाँ पे आते हैं एम डगर, रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो कुछ खास नहीं है, स्मॉल लीग हेड टू हेड दोनों में से मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे बात करेंगे स्मॉल लीग टीम कॉम्बिनेशन की। स्मॉल लीग टीम कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने से पहले ना आज के गिव अवे के बारे में बात कर लेते हैं। आज आपको बताना है कि ड्रीम टीम का कैप्टन कौन होने वाला है, ड्रीम टीम का कैप्टन कौन होने वाला है। जो भी आपका आंसर हो, जो भी आपका प्रेडिक्शन हो, डाल दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। देखिए सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में एस क्लासन और ईशान किशन को हमने पिक किया है, फिर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, आर त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा को हमने बैटिंग सेक्शन में पिक किया हुआ है। देखिए अभिषेक शर्मा का जो स्पॉट है ना वो ड्रॉप भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कैमरॉन गिन कैप्टन, तो मैं कैमरॉन गिन को नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एस क्लासन को भी पिक कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पे ईशान किशन को भी पिक कर सकता हूँ। टॉस के बाद फाइनल अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर यहाँ पे एडन मार्करम, पीयूष चावला, भुवनेश्वर कुमार और जेब हेनरोक मेरी बॉलिंग सेक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है गाइस। देखिए जो भी फाइनल अपडेट होता है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि टीम में चेंजेज आता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 3 ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन है जो कि आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और सेम टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद जो भी टीम कॉम्बिनेशन होगा ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन में कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं अगले और एक जबरदस्त प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुद का ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।